बैक टू माय चैनल। नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ स्मार्टफोन्स लेकर आए हैं जो कि बजट के साथ है। अगर बजट है 50,000 में, तो अगर चाहते हैं अच्छे वाले स्मार्टफोन्स लेने के लिए, तो आपको कौन से स्मार्टफोन्स लेने चाहिए, तो आपको तो पता है 50,000 के अंडर में जो भी स्मार्टफोन वगैरह हैं वो टॉप ब्रांड के ही आते हैं। और ये जो स्मार्टफोन है वो भी टॉप ब्रांड का है। तो ये जो प्राइस है काफ़ी मतलब हाई वाला प्राइस है, तो उसके साथ आपको कौन से स्मार्टफोन्स लेने चाहिए, क्योंकि आपको देख कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि 50,000 है ना, तो उसी लिए। तो यहाँ पे मैं 3 ही स्मार्टफोन्स लेकर आई हूँ, तो फुल डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50,000 है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन निकल गया थे वो है मोटोरोला की तरफ से। तो ये स्मार्टफोन कुछ ही दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ है, मोटोरोला S30 Pro जो स्मार्टफोन है। फीचर्स बात करते हैं, 6.7 इंच में फुल HD AMOLED डिस्प्ले हो, 144Hz में हाई रिफ्रेश रेट है, उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास सिस्टम प्रोटेक्शन है। तो बात करते हैं प्रोसेसर में, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8th Gen 1 वाला प्रोसेसर है। तो इसमें बात करते हैं कैमरा सिस्टम में, कैमरा सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल में है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल के साथ अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल डीप लेंस देखने को मिलने वाले हैं। और जो बात करें सेल्फी के लिए, कमाल का सेल्फी 60 मेगापिक्सल में, मतलब आपको कहना कि 30 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिलने वाले, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको 13.5 GB बैंक सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाते हैं, 4800mAh बैटरी के साथ है, 68W का चार्जर है। तो ये जो स्मार्टफोन से अगर आप चार्ज करने के लिए बस 50% चार्ज, मतलब 15 मिनट में आपको 50% चार्ज हो जाएगा। एंड्रॉइड 12% में है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ देखने को मिलने वाले हैं, सेल्फी काफ़ी अच्छे। तो दूसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन निकल गया तो ऑब्वियसली एप्पल का है, क्योंकि 50,000 में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली एप्पल का जो स्मार्टफोन से काफ़ी अच्छा रहते हैं, एप्पल iPhone 12 mini जो स्मार्टफोन है। फीचर में 5.4 इंच में आपको डिस्प्ले है, ये कहने की A14 बायोनिक का चिपसेट है, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के साथ डुअल कैमरा सेटअप है, 12 मेगापिक्सल में आपको फ्रंट कैमरा है, iOS 14 वाला है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपको 50,000 के प्राइस में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस लिस्ट में हमारे जो लास्ट नंबर पे जो स्मार्टफोन निकल जाती है वो है रियल मी की तरफ से, रियल मी GT 2 Pro जो स्मार्टफोन है। फीचर्स बात करते हैं, 6.7 इंच में आपको क्वाड डिस्प्ले HD डिस्प्ले है, 120Hz हाई रिफ्रेश रेट है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8th Gen 1 वाला प्रोसेसर है। तो बात करते हैं कैमरा सेटअप है, कैमरा सेटअप सेम है, 50+50+2 मेगापिक्सल के साथ आपका ट्रिपल सेटअप है। यहाँ पे सेल्फी के लिए बस 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, 5000mAh बैटरी के साथ 65W का चार्जर है। तो ये जो स्मार्टफोन से एंड्रॉइड 12 में है, ये तीनों की तरह स्मार्टफोन काफी अच्छा फीचर है, उसके साथ में साथ एप्पल का भी स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो ये तीनों स्मार्टफोन फीचर भी काफ़ी अच्छे, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा। अब मैं बात करती हूँ कि अगर सेल्फी के लिए लेना चाहते हो तो आप मोटोरोला के साथ जरूर जा सकते हो, क्योंकि उनका सेल्फी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 60 मेगापिक्सल के साथ आपको सेल्फी देखने को मिल जाते हैं। और ये तीनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा फीचर्स हैं, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये लिया है। अगर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 के प्राइस में ले रहे हो तो आप देख कर ही लेना चाहिए। तो आप कहने की लिंक पे जाइए और फुल डिटेल के साथ ये स्मार्टफोन को देखिए, उसके बाद ही आप खरीदिए। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगे, क्योंकि बजट अगर आपका है 50,000 में तो आप ये स्मार्टफोन के साथ जरूर जा सकते हैं।